20 फॉलो, पहले यूं सबने कंधे उठाने शुरू किए, ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होना शुरू हो गई है। मेरे लिए वो आज मौत थी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। आई डाइड माय डेथ एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ऑल विद इन बिफोर इट वॉज टू ओवर। शायद ये लोग को समझ नहीं आएगा, लोग कन्वीनियंटली अभी भी गालियां देंगे, बाबर को ये क्यों बोला, उसको ये क्यों बोला, लेकिन लाना तो सारे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये बातें आज तुम लोगों की शक्लों पर पड़ी है, क्योंकि हम पिछले 2 साल से ये बकवास कर रहे थे और आज इवेंचुअली वो भयानक ख्वाब एक हकीकत में बन चुका। अरिंदम घोष, अरिंदम कहते हैं यहाँ पे एंड ऑफ रोड फॉर पाकिस्तान के मैदान में इतना अच्छा और डिसेंट टोटल करने के बाद भी उन्होंने ऐसे चेस किया कि जैसे कि ये बिल्कुल 200 रन थे। किसी भी स्टेज में अफगानिस्तान हल्का सा भी अंडर प्रेशर नहीं आया, एक लम्हे के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 6 से थोड़ा सा ऊपर गया, उसको भी वो वापस लेके आए। लुक एट गुरबाज, लुक एट इब्राहिम जादरान, द वे दे प्लेड, इवन आफ्टर दम दे बोथ रहमत एंड हशमत, We were criticizing they are too slow. इनसे खेला नहीं जाता और ये बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं। उन्होंने ऐसी कैलकुलेटेड रिस्क फ्री क्रिकेट खेली है कि रिक्वायर्ड रन रेट एंड पे जाके बिल्कुल ये बेबस है। इनके सामने से उन्होंने कहा रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो हमें तो रोक लो, हम आज नहीं रुकने वाले। इसकी शक्ल देखो सर, नहीं आना था, हमने लाइव नहीं आना था। इसकी शक्ल देख के जो है ना इतना गुस्सा चढ़ा, खून खोल रहा है मेरा इसकी शक्ल देख के। हटा इसकी शक्ल को, पहले जिम्बाब्वे पापड़ सा ना हो तो, पहले जिम्बाब्वे अब अफगानिस्तान, जाके डूब मर जाके हंस रहा है आगे से इंटरव्यू देता हुआ। 25 करोड़ लोगों को तूने खून के आंसू रुला रहा है, लोग मरने वाले हुए हैं, उनकी जिंदगी जीरन करके तू हंस रहा है आगे से। ढीठ आदमी, दफा आ जाए यहां से। मुझे जो सोचा ना हो वो ये टीम काम करती है, जो सोचा भी ना हो वो ये टीम काम करती है। आज तक अभी हर टीम उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलेगी, हमारे ही हाथ पांव फूलते हैं, हमें जिसको कहते हैं ना वक्ते पड़ते हैं, हमारा ही बुरा हाल होता है। अच्छा हुआ बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, अच्छा हुआ वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जब ये अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते तो इन्होंने वर्ल्ड कप में जाके क्या करना था, क्या करना था इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर जाके। ये तो हाल है, लगातार 3 मैच हारे हैं, खत्म कर दिया, जरा सा लोगों का एहसास नहीं हुआ, पिच बड़ी खतरनाक बना दी है इंडिया ने, ये कर दिया वो कर दिया। उनकी बल्लेबाजी देखो कैसी बल्लेबाजी करके वो लोग गए हैं, क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। इसको कहते हैं बल्लेबाजी, इसको कहते हैं विक्ट्री। पूरा अरसा 2 साल अफगानिस्तान से आखिरी बॉल के ऊपर जीत के जश्न मना रहे थे, हवाओं में उछल रहे थे, हमने अफगानिस्तान को आखिरी बॉल पे हराया। दुनिया का सबसे बड़ा जब मुकाबला आया तो वो कैसे वन साइडेड हड़ाके में किए। ब्लैक डे, काला दिन है आज पूरे पाकिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान से हम हार गए। ये इस टीम को तो मैं, मेरी तरफ से बाइकॉट है इस टीम का, बाइकॉट है इस टीम का भाई, हार के बाहर हो गए। तस्वीर उतार के पड़े यार, पड़े करो इसको तस्वीर को, ये तस्वीर उतारो इसकी। हां ये वाली भाई, आप ये तस्वीर उतारें, हटाओ इसको, हटाओ, स्टूडियो में ना लगाएं, मैं वरना स्टूडियो में नहीं आऊंगा आपके, मैंने नहीं वीडियो करनी। हटाओ इसको तस्वीर को, परे कर दो इसको, हां हटाओ। होगा ये होगा, क्यों नहीं होगा, दिल तोड़ है। इंडिया से आ रहे माफ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे माफ कर दिया, इधर भी ना रखो इसको, ये पकड़ो यार। इंडिया से आ रहे माफ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे माफ कर दिया, इनसे आ रही अपनी माफी मिलेगी, अब नहीं माफी मिलेगी। मजाक समझा हुआ है, कोई हमारे इमोशंस नहीं है, कोई हमारी फीलिंग्स नहीं है, कैसे वो जश्न मना रहे, कैसे वो नाच रहे, मुझे कुछ देख के कुछ कुछ हो रहा है, मुझे देख देख के कुछ कुछ हो रहा है। वो देखो कैसे नाच रहे हैं, कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह से वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। ये हमारी टीम है, इतनी गंदे बॉलिंग चेंजेस, इतने गंदे बॉलिंग चेंजेस के
शदाब शदाब ओ माय गॉड शदाब शदाब का मैं क्या करूं शदाब फूफी का पुत्र है शदाब उसको साथ ही ले गए जो है ना वो चली जा रहा है यार तुम्हारा फूफी का पुत्र है वो नहीं तुमने उसको क्यों रखा यार आप देखो 12 बोलों पे एक करना है आपने ठीक है 12 बोलों पे एक खाया सिर्फ पूरी टीम ने आपकी और शदाब आते हैं शदाब साहब आते हैं तो जनाब आके एक ओवर में 9 एक ओवर में 10 एक ओवर में 12 यार कब कल आनी है आगे लेफ्ट हैंडर बॉलर है आप स्पिनर अगर आपने लगाना है तो इफ्तिखार को दो वो राइट हैंडर बॉलर है लेफ्ट हैंडर बैटर है राइट हैंडर आपको बॉल कराएगा आगे आगे वो और वो इफ्तिखार के सामने वो बड़ा वो मुश्किल हो रही थी उसको खेलने में गद्दारी कर रहे हैं ये देखो पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं लानत है उन लोगों के ऊपर ले लो तुम्हारे पाकिस्तान की क्या भजवाई है इन्होंने ले जाके बाबर आजम में अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर साले 2% के तुम लोग पता नहीं कहां कहां से निकल कर आ जाते हो पकड़ो मारो इनकी पकड़ के फाड़ दो इनकी चंडिया छालों के दो इनको मिला मिला के चाटे पकड़ पकड़ के छालों के आप ये बेगैरत है इनके लिए तुम चौड़े बन के घूमते हो कुछ साले अभी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल इनसे नहीं हार रहा था पाकिस्तान ने यार सरफराज इनसे भी हार गए सरफराज को तुमने किस बात पे हटाया था इसका बैटिंग एवरेज नहीं है अबे जिसका एवरेज है उसने दुनिया की एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं अपने आप को झुका दिया मारो मेरी पकड़ के और क्या बोलर लगाया हुआ है तुम लोगों ने बोलर रन बचा बोलर है तुम्हारे पास भाई इसको बचाई बोलर रहे कर्जे से अब वो डिलीवर इंडिया में बोला था क्या हारिस रऊफ का मैंने कहा था जनाजा निकल जाएगा इंडिया में इतनी मार पड़ेगी तुम क्या बेवकूफ समझते हो अबे भाई ये बाल जो है ना मैंने ऐसे ही ब्राउन नहीं कर लिया अबे इनके धंधे चल रहे हैं सालों के आपस में जितने टेलीविजन पे बैठे हुए ना लेंडी लेजेंड ये कसूरवार है इनसे सिर्फ एक सवाल करो और इन्हें बच के भागने नहीं दो इनको पूरी दुनिया पूछ नहीं रही है जनाजा निकल गया ये क्यों चूतिया बना रहे थे पाकिस्तानी बच्चों को वर्ल्ड क्लास ये वो है चूतिया पे के राग जो अलाप रहे थे बैठे रहे आज भी टीवी पे बैठे रहे ये लोग और चार चार पांच पांच बारियां ले चुके और ये पाकिस्तान की क्रिकेट पे शबो खून मारने ये लोग भी मुलविस है इनको पकड़ो इनकी अकाउंटेबिलिटी करो सालों की क्रिकेट भुला दो इतना मारो पकड़ के इनको। ये भाई सरफराज अहमद को निकालने वाले सारे साजिशी ब्रेन तकरीबन एक साथ बैठे हैं और एक दो लोग जो पहले कभी क्रिकेट की बात करते थे उनको मोहम्मद रिजवान में अचानक 2 साल पहले क्या था? उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि भाईजान आपको सलाम नहीं करता था आपके व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता था मुल्क की भाई रात और सुबह में जो फर्क आया था मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये आपस में गुत्थम गुत्था हो गया है ये जो मिसबा लाया गया है ये जो टीवियों पे बैठ के बकवास करते हैं भौंकते हैं ये हफीज टाइप के पिच वैसी तुम्हारे अंदर तुंती पिच तुम्हारे मुंह से निकाली है ये पिच इन्होंने 282 चेन्नई में 282 का मतलब है वेंकटे में 400 रन वेंकटे के 400 रन ये तुम्हारी 2% की टीम 2% की तुम्हारी औकात है बातें करते हैं है कोई माइकल हल जिसने कहा अफगानिस्तान को फेवरेट है कोई क्यों कहा था भाई जान ये बाल सफेद हो गया ये पीसीबी सिर्फ ये कर सकता है मेरा एक्रीडेशन रोक लेगा इसका एक्रीडेशन रोक लेगा पीसीबी ये कर सकता है हमें वर्ल्ड कप पे नहीं जाने देगा इससे ज्यादा पीसीबी मेरा जूता नहीं टेढ़ा कर सकता ये मैं आपको कह रहा था अफगानिस्तान ना जीता पाकिस्तान जीता तो आई विल बी सरप्राइज क्यों कह रहा था ये उम्र गुजर गई है ये यूट्यूबरिया नहीं बैठे यहाँ पे कोई वो नहीं बैठा जो नेफे में से खबर निकालेगा और आपको बताएगा ठंडी खबर देता हूं आज तक मेरी कोई खबर कोई माइकल लाल उसको बाउंस नहीं कर सका बड़े बड़े नन्हे खान फने खान आए लेकिन कभी नजदीक नहीं लगने दिया नजर आया आपको बाबर आजम ये है जिसे 3.5 साल पहले मैंने कहा था ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है ये जो इमामुल हक पर्ची है ये पर्ची इस टीम को ऐसे खा गई जैसे कैंसर पूरी बॉडी को खाता है जिस दिन मिसबा की अपॉइंटमेंट की इस ढीले कोट वाली सरकार ने जिस दिन मिकी आर्थर को लाए मैंने कहा यह तबाही बर्बादी है यह नजम सेठी यह शकील शेख
ये नेक्सस ऑफ इविल जो मिले, इन नेक्सस ऑफ इविल ने मिलके इस टीम को कहा था एक वक्त आएगा पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता क्वालीफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे इबरतनाक सब किया ये घंटे के किंग ने, ये पेपर किंग, इसने अपने रन्स के चक्कर में 19-20 ओवर में 100 किया, फिर विकेट गिरी, फिर साउथ आया, तो इसने साउथ से डिमांड की कि तुम मारो। ऑफ स्पिनर को टेक्निकली राइट हैंडर मारता है, सबको पता है कि उसका बॉल अंदर आता है। इसने साउथ को मजबूर कर दिया कि मोहम्मद नबी के खिलाफ तुम चार्ज करो। यार आज भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो क्रिकेट हार जीत है, पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ मैच, ये सब बातें छोड़कर कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करें और उनसे पूछें कि आपकी टीम, हमारी टीम हारती क्यों है। भाई ये अपने रन्स के लिए खेलते हैं और पाकिस्तान के नौजवान से लेकर बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, ना मैं इतना छोटा आदमी हूं कि मैं ये बोलूं किसी को ना देखो, हम दोनों को देखो, ठीक है, जिसको मर्जी आए देख लो, लेकिन तुम लोगों को सब याद है